नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। साहिबगंज के राजमहल के रेलवे मैदान में 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में राजमहल सांसद विजय हंसदा, बोरियो विधायक लोविन हेमब्रम बरहेट, विधानसभा पंकज मिश्रा उपस्थित हुए। वहीं सबसे पहले झंडा तोलन किया गया, उसके बाद सभी अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। आज हम लोग बड़ी खुशी और उत्साह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 43वां स्थापना दिवस राजमार्ग की धरती पर मना रहे हैं और हमारे सरकार का भी 2 साल पूरा हुआ है। इन 2 सालों में सरकार ने कुछ उपलब्धियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्व की रघुवर सरकार भाजपा की सरकार ने गरीबों का थाली खींचने का छीनने का काम किया था। 5 रुपये में भर के भोजन दाल भात का योजना जो प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय और मंडल तक चलाया जाता था उसको बंद कर देने का काम किया। लेकिन पुनः हेमंत सोरेन की सरकार बनी और दाल भात योजना को चालू किया गया। उसी तरह 16 सोमरंग धोती साड़ी लुंगी योजना जो 10 रुपये में साल में 2 बार गरीब को तन ढकने का मिलता था कपड़ा, पूर्व की रघुवर सरकार ने उसको भी छीनने का काम किया। लेकिन जैसे ही एक आंदोलनकारी का बेटा, एक गरीब का बेटा इस राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, पुनः उस योजना को चालू करते हैं। दूसरे दूसरे प्रदेश के थे, इन लोगों को ट्रेन से, बस से और हवाई जहाज से भी लाने का काम किया और यहां लाने के बाद उनका खाने वाने का सारा व्यवस्था भी हुआ था। अभी 2 साल हम लोगों का जो टाइम जो समय मिला था कोरोना के चलते नहीं कुछ हो पाया। अभी माननीय हेमंत सोरेन ने बहुत सारा योजना लॉन्च किया है, अभी पंकज जी बता दिए सारा विस्तार से। और ये भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना पड़ेगा, ये पूरे देश को ये लोग अस्त व्यस्त करना चाहता है। एक बैठक के नाम का यह राष्ट्र बनाना चाहता है और आज देश में जितना प्रधानमंत्री बना उसमें से सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।